बीजेपी ने डाल दी जेजेपी में फूट। जेजेपी विधायक कर रहे बीजेपी का गुणगान। दुष्यंत चौटाला हुए खट्टर की साजिश का शिकार। क्षेत्रीय एवं सहयोगी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है भाजपा। हरियाणा में बीजेपी ने अपने सहयोगी जेजेपी के पीठ पर भोंपा खंजर। बीजेपी ने जेजेपी को खत्म करने के लिए कर दिया अपना खेल। कुछ दिन पहले गठबंधन टूटने की बात हो रही थी, बीजेपी ने ऐसा खेल किया कि अब पार्टी बचाने की बात होने लगी। बीजेपी ने पहले जेजेपी प्रमुख व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की सीट पर धावा बोला, फिर चौटाला के पार्टी जेजेपी में डाल दी फूट। अब दुष्यंत चौटाला को पार्टी बचाने के लिए करनी पड़ रही जद्दोजहद। बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रही जेजेपी को उल्टा बीजेपी ने सबक सिखा दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मामला क्या है, बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में दरार की अटकलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। अब जेजेपी के पार्टी में ही दरार पड़ गई। पार्टी के कई विधायकों ने बागी तेवर अपना लिया। विधायक पार्टी की ओर से आयोजित विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। पार्टी लगातार नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही, पर विधायकों की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब से गठबंधन में खटास आई तब से दोनों पार्टियों की ओर से ताबड़तोड़ बयानबाजियां हो रही थी। जेजेपी भी झुकने को तैयार नहीं थी, पर अब बीजेपी ने अंदर खाने ऐसा खेल कर दिया कि जेजेपी के लिए पार्टी बचानी मुश्किल हो गई। जेजेपी के लिए अपने ही बागी विधायकों को साधना बड़ी चुनौती। भाजपा से गठबंधन टूटने की अटकलों के बीच जेजेपी के लिए अपने ही बागी विधायकों को साधना बड़ी चुनौती बन गया। इलाकों में काम नहीं होने और अफसरशाही को लेकर समय समय पर जेजेपी के विधायक विधानसभा में सरकार को घेरते रहे। अब गठबंधन के मामले को लेकर जेजेपी नेतृत्व द्वारा बुलाई गई विधायक दल की बैठक में विधायकों के नहीं पहुंचने से साफ हो गया जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि समय समय पर जेजेपी नेतृत्व नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन विधायकों की नाराजगी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। विधायक हो रहे बागी। सरकार बनने के बाद से ही नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम सरकार और जेजेपी नेतृत्व पर निशाना साधते रहे। इनके बाद नरवाना से जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बजाय खुलकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का गुणगान करते रहे। दोनों विधायक न तो जेजेपी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे और न ही कभी जेजेपी नेतृत्व से मुलाकात करते हैं। इनके अलावा गोहला चीका से विधायक ईश्वर सिंह भी इलाके में विकास नहीं होने के आरोप लगाते रहे, जबकि हाल ही में शाहबाद से विधायक रामकरण काला ने शुगर फैट चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर मामले को और गर्मा दिया। हमारा गठबंधन से कोई वास्ता नहीं, नारनौंद से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने तो जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को ही सिरे से नकार दिया। गौतम ने कहा, मेरी किसी से कोई गठबंधन नहीं, जब गठबंधन हुआ था न तो तब हमसे पूछा गया था और न ही अब हमें पता है टूटेगा या चलेगा। दोनों पार्टियों को जो ठीक लगेगा वही करेंगे। ये किसी का गठबंधन है सिर्फ लूट के लिए और जनता ये जान चुकी है। वहीं नरवाना से जेजेपी विधायक सुरजाखेड़ा ने कहा, डिप्टी सीएम की ओर से नरवाना में कोई काम नहीं कराया गया, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की अगुवाई में विकास कार्य चल रहे हैं।